बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाएंगे चॉकलेट चिप बिस्किट। ये मेरे पास 100 ग्राम मक्खन है और आधा कप पिसी हुई चीनी है, 1.5 कप मेरे पास है मैदा और ये मेरे पास है चॉकलेट चिप। पहले हम जो है चीनी और मक्खन को बहुत अच्छे तरीके से बीटर से बीट करेंगे। पूरी रेसिपी देखनी है इसमें, क्योंकि ज़रा सी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती होगी तो आपके बिस्किट सही नहीं बनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं इसे बीट कर रही हूँ। देखिए इसे और अच्छे तरीके से करूँगी मैं, थोड़ा थोड़ी देर बाद आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा बीट होना चाहिए। पिसी हुई चीनी ली है मैंने, तो आप भी पिसी हुई ही लीजिएगा चीनी ना। चीनी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें मैदा डालूँगी और उसको गूंद लूँगी। ये तकरीबन अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। आधे जो है चॉकलेट चिप मैं इसमें डालूंगी और मैं कुछ ऊपर से लगाऊंगी इसमें ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इतनी देर पतीला गर्म हो गया, मैं पतीले में बना रही हूँ, आप चाहें तो ओवन में बना लें। ओवन में जो है आप तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 पर। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी कुछ देर के लिए। इतनी देर हमारा पतीला गर्म होगा, इसमें मैं एक स्टैंड रख दूँगी जिस तरह से मैं हमेशा दिखाती हूँ आप लोगों को। और इतनी देर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, थोड़ा सेट हो जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा इसे सेट हो जाएगा। फिर बिस्किट बनाऊँगी और बेक करूँगी, दिखाऊँगी फिर कैसे करती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, अब हम इसके छोटे छोटे पीस काटेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ना रखेंगे इसको छोटे छोटे से। कटर से काटना चाहे तो कटर से काट सकते हैं इस तरह से बना के, और इनके ऊपर भी फिर ये इस तरह से चॉकलेट चिप लगा के। और ये मैंने ग्रीस की भी है ट्रे, सारे थोड़ी थोड़ी दूर रखेंगे हम इस तरह से। और तकरीबन 25 मिनट के बाद मैं देखूंगी कि बेक हुए या नहीं, सारे बनाकर बेक करके दिखाती हूँ फिर आपको ना। ये मैंने रख दिए हैं बिस्किट बेक करने के लिए। ये देखिए मैंने सारे बना के रख दिए हैं, आधे बल्कि अभी है बचे हुए, एक दफ़ा और बनेंगे। तो इसमें चॉकलेट चिप भी लगा दी हैं बेक करने के लिए, रख दिए 20 मिनट बाद दिखाती हूँ फिर आपको। ये हमारी बेक हो चुकी है, ये मैंने दूसरी रखी, ये मैंने थोड़े छोटे बनाए हैं बच्चों के लिए ना। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चॉकलेट चिप ठंडे हो गए ना, तो खुद ही उतारे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। तकरीबन 1.5 कप मैदे से कितने सारे चॉकलेट चिप बन गए। एक ट्रे अभी बेक हो रही है, एक हो चुकी है बेक। कितने ज़बरदस्त बन गए। ये देखिए तोड़ के दिखा दिया कितने ज़बरदस्त बने हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए और इतने सारे बन गए माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह फिर एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।